हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स एग्जाम डॉट कॉम। आज मैं आपको 9 मार्च 2022 की करंट अफेयर बताने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितनी महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है 29 महिलाएं। थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय रेल संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ही गुल्ला गुड़ा और चीट गिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण की जांच की है। इसका राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। फाइव क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर है एमएसएमई मंत्रालय। सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में ही किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सेवन क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में पीएम एसवाईएम योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है श्रम मंत्रालय। एट क्वेश्चन, श्रम ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। नाइन क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण सिलनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। टेन क्वेश्चन, दो दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया है। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।